इंडियन नेवी, डबल ए, SSR और MR रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, यहां पर SSR, डबल ए और MR के रिक्रूटमेंट का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए एक अच्छी व जरूरी खबर लेके आए हैं। क्या इसी महीने आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आने वाला है? क्या एक साल की पूरी छूट इस बार इंडियन नेवी की तरफ से दी जाएगी? क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इंडियन नेवी में SSR, डबल ए और MR का नया रिक्रूटमेंट कब तक आएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर बड़ी अपडेट लेके आए हैं और कब तक आपका एग्जाम होने के चांसेस, इस बार कितना समय आपको तैयारी के लिए मिलने वाला है, क्या एक वर्ष की छूट आयु में दी जाएगी उन अभ्यर्थियों को जो इंडियन नेवी से ओवरेज होने वाले। इस बार की जो अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी होगी वो अलग अलग डबल ए, SSR और MR की कितनी रहने वाली है, इसको लेकर भी हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाले इंडियन नेवी में डबल ए, SSR और MR के रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। अगर दोस्तों आप भी इंडियन नेवी में डबल ए, SSR और MR की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो फाइनली आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने का चांस रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के टॉप 500 प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेके आए। अगर इतना करंट अफेयर्स भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने में इस करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका आपकी रहने वाली है। अगर ये बुक आप खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में इसकी प्राइस है वो 100 रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको पूरे 80% छूट के साथ मात्र 20 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप इसे अभी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आप डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियली साइट पे है और यहाँ पर आपको आगे आने वाले छोटे से बड़े सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले देखने को मिलेगी, चाहे एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो या फिर कोई नया रिक्रूटमेंट हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा इंडियन नेवी सेलर, SSR, डबल ए, MR रिक्रूटमेंट 2021। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसी होगी वो कब तक आएगी। तो बिल्कुल आपकी वैकेंसी है इसी महीने मार्च लास्ट तक आने की, अभ्यर्थियों का इंतजार हो रहा था और ऐसे में मार्च लास्ट तक आपका ये रिक्रूटमेंट है ये आ जाएगा। अगर मार्च लास्ट तक आपका रिक्रूटमेंट आता है तो इस बार का जो आपका एग्जाम होगा वो कब तक होगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका एग्जाम अगर मार्च लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर 100% चांस है कि मार्च लास्ट तक आपकी वैकेंसी इस बार आ जाएगी, और मार्च लास्ट तक वैकेंसी आएगी तो मई लास्ट तक, बिल्कुल दोस्तों बता देता हूं, मई लास्ट तक आपका एग्जाम भी इंडियन नेवी की तरफ से करवाया जाएगा। तो आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचेगा, इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए आज से ही, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। अब यहां पर बात करते हैं इस बार की जो अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो यहां पर मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली इस बार की जो वैकेंसी है, डबल ए की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 500 के लगभग डबल ए की वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलने वाली है। वही बात करें SSR की तो SSR की आपको 2200 के लगभग वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जबकि MR की वैकेंसी भी इस बार आपको 800 के लगभग देखने को मिल सकती है। काफी बड़ी रिक्रूटमेंट होगा, काफी बड़ी वैकेंसी होगी अगर आप इंडियन नेवी और इंडियन नेवी में डबल ए, SSR और MR का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर आप भर्ती हो सकते हैं। यहाँ पर सेलर के लिए बात करें तो जो सेलर SSR के लिए जो कैंडिडेट जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों के लिए 10+2 पास होने चाहिए। 10+2 में आपके मैथ, फिजिक्स तो आपका होना चाहिए, उसके साथ में एक सब्जेक्ट और है, तो आप SSR के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि SSR और डबल ए का जो एग्जाम होगा वो एक साथ करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10+2 पास और 10+2 में आपके 60% मार्क्स बन रहे हैं और 12th में आपके मैथ और फिजिक्स के साथ में एक और सब्जेक्ट है तो आप डबल ए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 10th पास वाले कैंडिडेट भी इंडियन नेवी में भर्ती हो सकते हैं MR के पद से, और ये आपका रहेगा मैट्रिक लेवल, मतलब 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इंडियन नेवी में भर्ती हो सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी की इस बार की जो एज क्रिटेरिया के बारे में बात करें, तो एज क्रिटेरिया 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2004 तक अगर आपका जन्म हुआ है आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी दोस्तों अलग अलग आपको एज क्रिटेरिया देखने को मिलेगा, आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सलेक्शन प्रोसेस, इस बार का सलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या सलेक्शन प्रोसेस में इंडियन नेवी की तरफ से कोई बड़ा बदलाव किया गया है नहीं किया गया है, तो यहां पर आप खुद देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका सीबी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और सीबी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सभी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब पीएफटी होगा, और पीएफटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका मेडिकल टेस्ट और मेडिकल के साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा इंडियन नेवी का जो फाइनली मेडिकल होता है वो INS चिल्का में होता है, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर आपका फाइनल मेडिकल है वो वहाँ पर मेडिकल टीम के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों फिजिकल में भी कोई चेंजेज नहीं किया गया, वही आपके 1600 मीटर की रनिंग होगी, और फिजिकल केवल आपका क्वालिफाई नेचर के आधार पर है, मतलब फिजिकल के किसी प्रकार के नंबर नहीं होने वाले हैं। 1.6 किलोमीटर की 1600 मीटर की रनिंग होगी, समय आपको काफी दिया जा रहा है, 7 मिनट का समय मिलेगा, 20 आपके स्क्वेट्स होगी जिसे उठक बैठक कहते हैं, 10 आपकी पुशअप्स यहां पर रहने वाले। उसके अलावा दोस्तों एग्जाम पैटर्न भी आप पूरी डिटेल से चेक कर पाएंगे यहां पर कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस तो नहीं किया गया है। तो 1 कॉमन एग्जाम होगा आपका AA और SSR के लिए, और यहां पर द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपके यहां पर रहने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, पेपर आपका बिलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में आपको देखने को मिलने वाला है। वही बात करें तो आपका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर का रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको 1/4 देखने को मिलने वाले, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। चाहे आप AA SSR या फिर आप MR के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग तीनों में आपकी रहने वाले। उसके अलावा दोस्तों पे स्केल के बारे में बात करें तो यहां पर 14,600 रुपए आपको ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे। उसके अलावा बाद में ट्रेनिंग के बाद में आपको इनिशियल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो Level 3 के हिसाब से डिफेंस पे मेट्रिक के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 67,100 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके साथ ही आपको MSV और 5200 पर मंथ आपको DA भी मिलने वाला है, साथ ही जितने डिफेंस अलाउंसेज है वो सारे अलाउंसेज भी आपको देखने को मिलने वाले। यहां पर दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट भी यहां पर आप देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप हमारे से जुड़ने के लिए आप हमारे से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यहाँ पर फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली लेटेस्ट जानकारी भी यहाँ से आप पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले इंडियन नेवी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। पूरी जानकारी के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।